देश में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर के 60 लोग, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सिपाही भी है, जो बरनाला में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि ये कश्मीरी लोग पंजाब के बरनाला में पिछले 30 सालों से गर्म कपड़े बेचने के लिए आ रहे हैं। इस मौके कश्मीरी लोगों ने जिला प्रशासन से उनको घर भेजने की गुहार लगाई है। आजाद टीवी न्यूज के लिए बरनाला से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। यहाँ पे रह रहे हैं तो एटलीस्ट सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर के लोग हैं 60 के करीब हैं, और यहाँ मेरे अंकल काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया था। वैसे मैं जेएंडके पुलिस से हूँ, कोई ट्रीटमेंट था मेरा, 45 मंथ्स बैक मेरी ब्लास्ट इंजरी हुई थी, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट था 18 तारीख से होके वहाँ से यहाँ मैं पहुँच गया बरनाला। 21 तारीख को यहाँ से निकलना था हमें, 21 तारीख से ट्रांसपोर्ट न मिलने के कारण हम यहीं पर रह गए। और 144 जो यहाँ पे लॉकडाउन भी था, 144 भी लगा था पंजाब में, तो इसकी वजह से मैं इन चीज़ों को मद्दनज़र रह के, क्योंकि जानने के बावजूद मैंने किसी को नहीं जाने दिया। मैंने बोला नहीं, इस चीज़ को एहतराम करके 14th जो अप्रैल आ रहा है, इसको लॉकडाउन शायद खुल जाएगा, उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे। तो हमारा माह रमज़ान भी आने वाला था, तो हमने बोला चलो, मतलब 14 को हम निकल जाएंगे यहाँ से। 14 के कारण आप बढ़ा दिया 3 मई तक, तो 20 को बोला था फॉर्मली हम खोल देंगे, कोई एक उधर इधर जो बाहर के होंगे वो चल पड़ेंगे, 20 को भी नहीं खुल पाया, तो इसके कारण हम यहाँ पर ठप हैं। 34 दिन से हमारी दर हम बरहमजन की है, किसी के पास जितने भी जो कि पैसे कमाए थे इन्होंने यहाँ से मजदूरी करके, तो इनके पास ख़त्म हो गए हैं। बाकी तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई कुछ नहीं, जहाँ पर बाहर नहीं निकलने की वो भी इजाज़त नहीं मिली, 144 के कारण हमें बाहर भी नहीं जाने दिया, और हम जाने खुद ही इनकार कर दिया कि नहीं, हमने इसका तहफ़ किया, क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो अब हम लास्ट में यही चाह रहे हैं, रमज़ान भी आने वाला है, हम यही चाह रहे हैं कि हम अपने कश्मीर पहुँच जाएँ। सभी हमारे घर में मेरी डैडी और पापा और मम्मी। सर, हम कश्मीर का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का है। हम यहाँ 6 महीने से काम कर रहा था, शाल शुल का काम कर रहा था। हमें यहाँ हो गया 10-15 साल आ रहा था यहाँ मजदूरी करने के लिए, यहाँ जो शाल शुल बेचते हैं, फिर तो हम वापस जाते हैं जी सर 25 मार्ग तक। फिर 25 मार्ग के बाद जब लॉकडाउन हुआ है, फिर हम यहाँ फंस गए। हमारे पास बच्चे छोटे छोटे था वहाँ, और माँ बाप भी हैगा, और बच्चे भी हैगा, बीवियाँ भी हैगा, वो वहाँ तरसते। जो पैसा है वो तो हमने उनको कुछ माड़ा मोटा दे दिया सी, वहाँ कुछ पैसे माड़ा मोटा हमारे पास है कि हमने सोचा हम घर जाएंगे। जब लॉकडाउन हुआ हमने उसको पालन कर दिया, आज एक महीना से 3 दिन या 4 दिन हो गए जी सर यहाँ, फिर तो हम यहाँ फंस गए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाए, कि वहाँ बच्चे भी हमें तरसते हैं, माँ बाप भी तरसते हैं, वहाँ बच्चे हैं, हम यहाँ हैं। वहाँ से नहीं सर, हमें किसी से नहीं सरकार, वहाँ तो गवर्नर चल रहा था, वहाँ से गवर्नर को भी किसी ने नहीं पूछा कि क्या पता है वहाँ क्या, हमने तो किसी से नहीं पूछा था। हम कल DC साहब के पास गया था, तो उन्होंने बोला, हमने उसको बोला कि इतला किया कि उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि हमें घर पहुंचाओ। उसने बोला कि हमें पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। हमने उसको बोला आपकी मेहरबानी, अगर हमारे लिए आप कुछ कर रहे हैं तो हमें घर पहुंचाया जाए। हाँ जी, वो मैंने कल आके मिले थे, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी देती है कि इसमें उन्होंने वापस कश्मीर जाना है। उन्होंने जो एप्लीकेशन है असी सरकार को भेज देती है, तो ये सिर्फ बरनाले ही नहीं है, कई जिलों में पंजाब में बैठे हैं। सो जो भी सरकार इन्हों का फैसला करेगी उस वो असी लागू कर देंगे। तो इस तो बाद हाले साढ़े जिले वालों असी कोई हाले कार्रवाई नहीं कर रहे। उस संबंधी उन्होंने मैंने कोई दसा नहीं कि जी उधर कोई पुलिस का भी मुलाजम इतने है, जो होया तो कोई स्पेशल देख लेंगे कि बन गया। पर मैनू जो मैंने मिलना है, उन्होंने मैंने इस बारे कोई जिक्र नहीं किया। इस बारे मैं कुछ कह नहीं सकता जी, ये तो सरकार नहीं देखना है, जिमें भी फैसला होगा असं लग।